सुनो पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बढ़िया जवाब देता हूँ और ये खट्टर साहब को भेज देना मैसेज। स्कूल जो है वो किसी संस्था का नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक पर्सन का है, उसने अपने पैसे लगा रखे हैं। वो ट्यूशन फीस क्या रखता है उसके ऊपर उसकी फाउंडेशन गवर्नमेंट की नहीं है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं कि पब्लिक जो है प्राइवेट पब्लिक, स्कूल ही नहीं, डॉक्टर एक अपना इंडिपेंडेंट कार्य करता है। यदि उसने 800 रुपए एक रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी उसके साथ एक कंसल्टेशन फीस जो उसकी 800 रुपए है, आपका मन करेगा मैं 800 रुपए पे कर पाऊंगा तो आप जाएंगे क्या? खट्टर साहब से पूछ के जाएंगे कि क्या मैं इसमें जाऊं या नहीं है। ऊपर से सीएम के आदेश हो चुके हैं, अब सीएम के आदेश बढ़े हैं या फिर स्कूल वालों की मनमानी बढ़ी है। मीडिया मैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार यदि एक दिन के लिए फॉर्म भरवाती है, एसटेट सीटेट कोरोना काल में भी भरवाया गया, किसी जॉब के लिए फॉर्म भरवाती है, या एक मिनट यदि कॉलेज में एडमिशन किसी ने लिया, एक बच्चा ऐसा दिखा दो कि गवर्नमेंट ने अपनी फीस नहीं ली, चाहे वो 4000 रुपए और चाहे वो 4 रुपए है। यदि गवर्नमेंट पैसा लेती है तो प्राइवेट व्यक्ति तो उन्हें अपना पैसा लगा रखा है, और पेरेंट्स उसमें जो आता है वो अपनी मर्जी से आता है, ना कि हमारे दबाव से आता है। तो हमारा भी हक है कि हम उससे फीस की सारी बात मान गया मैं कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर प्रेशर है, लेकिन एक छोटी सी बात और, ठीक है, अभी कल ही एक छोटे से बच्चे की जान चली गई, मात्र 3 साल का मैच एक बच्चा था। अगर किसी स्कूल के अंदर कोई टीचर पॉजिटिव हो जाता है, बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो जिम्मेवार कौन होगा? हमारा गृह मंत्री भारत सरकार, हमारा गृह मंत्री हरियाणा सरकार, जब वो वैक्सीन लेने के बाद इस कोरोना बीमारी से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो आपके पास, मेरे पास, खट्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास, इसका क्या गारंटी है कि मैं खड़ा हूँ और मैं नहीं हूँगा? क्या सरकारी बस है? इसका मतलब सरकार कुछ भी फैलाए, सरकार रैलियां करती है, वो कुछ भी करे, सरकार का एक डिप्टी सीएम यहाँ आता है तो हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी, सीआरपीएफ और जो बीएसएफ है वो लेके आते हैं। क्या वो कोरोना का, कोरोना यदि गवर्नमेंट को करना है पूरा लॉकडाउन जैसे 2020 में किया था वैसे पूरा लॉकडाउन करे, हम एग्री हैं। हम अपनी जो बिल्डिंगें हैं हॉस्पिटल के रूम में यदि प्रयोग करना चाहे गवर्नमेंट, हम साथ हैं, हम देंगे। उनकी चाबियां इसलिए देंगे कि आप इनका हॉस्पिटल बनाओ, इनकी दुकान बनाओ, इनका गोडाउन बनाओ। आगे यदि हमारी गवर्नमेंट बात नहीं सुनती है तो एक प्रोटेस्ट ऐसा होगा, आज तो स्कूल की बसों की चाबी दे रहे हैं, हम स्कूलों की चाबी भी गवर्नमेंट को देंगे। प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन अधिकार यदि कंट्रोल तानाशाही आपकी है तो इनकी चाबियां लो और आप इनका जो यूज करना करो, हमारे बस की बात। लेकर के क्यों आए? बस पिछले 12 महीने से किस्त हम भर रहे हैं, गवर्नमेंट जब हमें किसी तरह का सहयोग नहीं देती, सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल जो हैं वो किस्त कैसे भरेंगे? लगभग 25,000 रुपए एक बस की किस्त होती है। स्कूल अभी बंद है या ओपन है? स्कूल की बात आप बाद में कर लीजिए, हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे स्कूल आपको तानाशाही से बंद करवाने हैं तो इन बसों की किस्तें जो हैं वो आप भरेंगे, आप जिम्मेदार रहेंगे। इसका टैक्स टूटता है, इसका इंश्योरेंस खत्म होता है, इसकी किस्त टूटती है। हम सांकेतिक, अभी स्कूल खुले हैं, हम एक सांकेतिक मैसेज देने के लिए आए हैं कि गवर्नमेंट या तो चेते और चेत करके इन स्कूलों के बारे में डिसीजन, प्रिंसिपल यानी कोई भी डिसीजन लेने। कौन कौन है यहाँ पर और प्रिंसिपल कौन कौन? सर एक सवाल पूछा गया है, अभी स्कूल ओपन है या बंद है? स्कूल ओपन है या बंद है? जब हम यहाँ खड़े हैं तो स्कूल ओपन और बंद होने का मतलब क्या है? नहीं सर, हम यहाँ खड़े हैं, सवाल है, जनता जानना चाहती है कि फिलहाल एट प्रेजेंट सरकार ने, सर 1 मिनट प्लीज 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 मुद्दे से मत भटकाइए। एक सवाल सीधा सीधा कि सर स्कूल आज खुले हैं या बंद है? आज बंद है, आज के लिए स्कूल बंद है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, हमारी बसें यहाँ खड़ी है। मैं हरपाल सिंह दर्द एसवी न्यूज़ एरिया से, आज हम पहुंचे हैं हिसार आज़ाद नगर मिलेनियम पैलेस स्कूल के अंदर, जहां पर वहां के, आप यहां पर किस पद पे हैं सर? मैं यहां पे वाइस प्रिंसिपल हूं। आप प्रिंसिपल हैं सर? सर ये हम देख रहे हैं सामने, ये छोटे छोटे बच्चे यहां पर स्कूल में आए हुए हैं और सरकार की गाइडलाइन है कि जो 8वीं तक के बच्चे हैं इनकी छुट्टी कर दी जाए, तो आप इस नहीं मान रहे हैं? नहीं है, ये स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है सर? पहली से 8वीं है सर। पहली से 8वीं, पहली से 8वीं तक का स्कूल है और पूरी क्लासेस लगी हुई हैं? नहीं, इस वक्त हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपने पूरी क्लासेस लगाई हुई हैं सर? क्लासेस 1 to 6। हाँ, 1 to 6 लगाई हुई हैं आपने, और 7th और 8th की छुट्टी चल रही है सर। स्कूल कैसे चलेगा? ठीक है ना, और लेकिन हम गवर्नमेंट को चेताना चाहते हैं कि आपका, सर हमें खबर मिली है कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे लेकिन स्कूल तो अभी भी खुले नहीं। आप जाके कक्षाएं देखिए, बच्चे ही नहीं है, हमारे पास बच्चे ही नहीं है। गवर्नमेंट का मैसेज तो है वो बच्चे तोड़ने का है। सर ने कहा है कि स्कूल बंद है, आपने भी कहा सबने स्कूल, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मिनट पहले एक वीडियो करके आया हूँ, आप खुद देख लेना, स्कूल की आजाद नगर से स्कूल ओपन था।
बच्चे बैठे थे, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, और जाने के बाद में ये भी बोला गया कि आप हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी स्कूल की है डजंट मैटर, लेकिन उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर छोटे बच्चे आ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं पे जनता के हैं। छोटे बच्चे बाजार में नहीं घूम रहे क्या? आपने देखा छोटे बच्चे बाजार में नहीं घूम रहे? रोडवेज बसों में नहीं जा रहे क्या? 56 की सीट होती है, 85 बैठते हैं। आपने कोई रोडवेज की बस रोकी है क्या कि आप दिखाइए आपका मास्क कहाँ है? आपने चेक किया? मीडिया मैन से मैं पूछना चाहता हूँ, रोडवेज की बसें आपने चेक की? ट्रेन जो जा रही है वो आपने चेक की? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही कोरोना क्यों? बाजार आपने चेक किए? बाजार में जब बच्चे घूमते हैं वहाँ आपने चेक किया कि मास्क लगा रखा? आप मीडिया मैन खड़े, आपने मास्क लगा रखा है क्या? आप भी तो ऐसे ही खड़े हैं, ये बहाना क्यों है प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का? गवर्नमेंट चाहती क्या है? आप एक सिर्फ गवर्नमेंट का सहयोग होंगे, हर किसी मैटर में मीडिया भी दे रही है, क्यों दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम भी आपके आदमी हैं, हम भी समाज के व्यक्ति तो हैं, हमारे साथ क्यों नहीं आप खड़े होते? आप हमेशा ही सरकार के साथ खड़े होते हैं, जबकि सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार झूठ बोलती है, सच्चाई नहीं है। मैं एक बात और से भी एग्री करता हूँ, अखबार की हेडलाइन आती है कि स्कूल बंद रहेंगे, ठेके चालू रहेंगे, ये कहाँ तक उचित? सर सर ठेके चालू रहेंगे, क्यों रहेंगे? उसमें गवर्नमेंट को खुद को आमदन है, जो उस विभाग का मंत्री है उसको पर्सनल इनकम है, उसके व्यक्तित्व जो उससे जुड़े हुए उनको इनकम है, उनको क्या मतलब है कि प्राइवेट स्कूल चलें? क्यों? क्योंकि प्राइवेट व्यक्तित्व का जीवन बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण किसान लाखों की संख्या में बैठे। जनता कहती है कि स्कूल वाले फीस लेने के चक्कर के अंदर ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं सीएम के ऑर्डर से। सवाल पूरा, जनता कहती है कि ये स्कूल वाले जो हैं ये फीस लेने के चक्कर के अंदर ऐसा कर रहे हैं, ऊपर से सीएम के आदेश हो चुके हैं, अब सीएम के आदेश बढ़े हैं या फिर स्कूल वालों की मनमानी बढ़ी है? मीडिया मैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार यदि एक दिन के लिए फॉर्म भरवाती है, एसटेट सीटेट कोरोना काल में भी भरवाया गया, किसी जॉब के लिए फॉर्म भरवाती है, या एक मिनट यदि कॉलेज में एडमिशन किसी ने लिया, एक बच्चा ऐसा दिखा दो कि गवर्नमेंट ने अपनी फीस नहीं ली, चाहे वो 4,000 रुपए और चाहे वो 4 रुपए है। यदि गवर्नमेंट पैसा लेती है तो प्राइवेट व्यक्ति तो उन्हें अपना पैसा लगा रखा है, और पेरेंट्स उसमें जो आता है वो अपनी मर्जी से आता है, ना कि हमारे दबाव से आता है, तो हमारा भी हक है कि हम उससे फीस लें। मीडिया मैन, आपके माध्यम से मैं आपको जनता एक बात और भी कहती है। हाँ, बोलिए। नाम लेते हैं ट्यूशन फीस का, हाँ, और ले जाते हैं पूरे रुपए। हाँ, ट्यूशन फीस मतलब और पूरे रुपए का मतलब आप एक बार व्याख्या करें, ट्यूशन फीस और पूरे रुपए में क्या अंतर है आप बताएं एक बार। सर, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी कि कोरोना काल के अंदर सिर्फ आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो जो स्कूल के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का, पानी का, साफ सफाई का, कोई मेरे टूट जाता है किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का, तो वो नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पर पर्चियां आज भी ऐसी पड़ी है जहाँ पर ट्यूशन फीस के अलावा पैसा लिया गया है, या फिर वही पैसे ट्यूशन फीस में जोड़े गए हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बहुत बढ़िया जवाब देता हूँ, उसका तो जिक्र नहीं है। सुनो पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बढ़िया जवाब देता हूँ, ये खट्टर साहब को भेज देना मैसेज। स्कूल जो है वो किसी संस्था का नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक पर्सन का है, उसने अपने पैसे लगा रखे हैं। वो ट्यूशन फीस क्या रखता है उसके ऊपर उसकी फाउंडेशन गवर्नमेंट की नहीं है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ कि पब्लिक जो है, प्राइवेट पब्लिक, स्कूल ही नहीं, डॉक्टर एक अपना इंडिपेंडेंट कार्य करता है। यदि उसने 800 रुपए एक रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी उसके साथ एक कंसल्टेशन फीस तो उसके 800 रुपए है, आपका मन करेगा मैं 800 रुपए पे कर पाऊंगा तो आप जाएंगे क्या? खट्टर साहब से पूछ के जाएंगे कि क्या मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं? तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है। आपकी सारी बात मान गया मैं कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर प्रेशर है, लेकिन एक छोटी सी बात और, ठीक है, अभी कल ही एक छोटे से बच्चे की जान चली गई, हाँ, मात्र 3 साल का मैच एक बच्चा था। अगर किसी स्कूल के अंदर, हाँ, कोई टीचर पॉजिटिव हो जाता है, बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो जिम्मेवार कौन होगा? हमारा गृह मंत्री, भारत सरकार, हमारा गृह मंत्री हरियाणा सरकार। जब वो वैक्सीन लेने के बाद इस कोरोना बीमारी से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो आपके पास, मेरे पास, खट्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास, इसका क्या गारंटी है कि मैं खड़ा हूँ और मैं नहीं हूँ? वो बच्चा अपने उन्होंने उसी विषय से बचने के लिए तो ये स्कूलों को बंद किया ताकि भविष्य बच सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मानता हूँ मैं एग्री करता हूँ, सरकार बचाव करे और हम उसका सहयोग करेंगे, लेकिन स्कूल ही कोरोना छोड़ता है क्या? बाजार में कोरोना नहीं है? स्कूल कोरोना नहीं छोड़ता, स्कूल के अंदर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, कोरोना आने का डर रहता है, वहाँ पर मास्क नहीं लगाया जाता। वो बच्चे बाजार में भी इकट्ठे होते हैं, वो बच्चे दुकान में भी इकट्ठे होते हैं, वो बच्चे किसी बस में भी ट्रेवलिंग करते हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? स्कूल पैलेस को देखा नहीं जा सकता, लेकिन स्कूल जो है वो ऑलरेडी एक बिग पैलेस है, नहीं देखा जा सकता। क्या सरकारी बस है? इसका मतलब सरकार कुछ भी फैलाए, सरकार रैलियां करती है, वो कुछ भी करे, सरकार का एक डिप्टी सीएम यहाँ आता है तो हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी
भाई सीआरपीएफ है और जो भी सब वो ले कहते हैं क्या वो कोरोना का कोरोना यदि गवर्नमेंट को करना है पूरा लॉकडाउन जैसे 2020 में किया था वैसे पूरा लॉकडाउन करे हम एग्री हैं। हम अपनी जो बिल्डिंगे हैं हॉस्पिटल के रूम में यदि प्रयोग करना चाहे गवर्नमेंट हम साथ हैं, हम देंगे उनकी चाबियां इसलिए देंगे कि आप इनका हॉस्पिटल बनाओ, इनकी दुकान बनाओ, इनका गोडाउन बनाओ। आगे यदि हमारी गवर्नमेंट बात नहीं सुनती है तो एक प्रोटेस्ट ऐसा होगा, आज तो स्कूल की बसों की चाबी दे रहे हैं, हम स्कूलों की चाबी भी गवर्नमेंट को देंगे। प्रॉपर्टी हमारी है लेकिन अधिकार यदि कंट्रोल तानाशाही आपकी है तो इनकी चाबियां लो और आप इनका जो यूज करना करो, हमारे बस की बात नहीं है। जनता एक ही बात पूछती है, सीएम के ऑर्डर बढ़े हैं, स्कूलों की मनमानी बढ़ी है। सीएम की मनमानी बढ़ी है, सीएम की मनमानी ऑर्डर नहीं है, वो सीएम की मनमानी बढ़ी है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सीएम मनमानी कर रहा है। जनता कभी मनमानी नहीं कर सकती और ना ही करेगी, ना हम मनमानी करने के लिए आए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि या तो पूरा बाजार बंद हो, पूरा लॉकडाउन संपूर्ण हो और नहीं तो फिर स्कूलों में भी ना लागू करे। अभी क्या लगता है डीसी मैडम के पास में आप चाबियां लेकर पहुंचे, आपकी चाबियां एक्सेप्ट की जाएगी? अब आपसे आज एक सांकेतिक है, डीसी मैडम जो एग्रीमेंट देंगी कि इन बसों को यहीं छोड़ जाओ तो हम इन बसों को यहीं छोड़ जाएंगे। डीसी मैडम कहेगी कि मैं आपकी बात आके पहुंचाऊंगी और आज आप घर चले जाएं। हमें यदि आश्वासन एक अच्छा लगेगा डीसी मैडम का, आदरणीय महोदय है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की, तो हम उनके अनुसार भी काम करेंगे। हम कोई यहाँ प्रदर्शन उग्र रूप से नहीं है, शिक्षित वर्ग। सर एक छोटा सा सवाल दोबारा, फिर अभी स्कूल बंद है या ओपन? सर आप इस बात पे क्यों बार बार बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीएम साहब से पूछे कि लॉकडाउन पूरे हरियाणा में है, ये एक प्रोफेशन पे, सिर्फ एक प्रोफेशन पे लॉकडाउन। अरे फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? क्यों गाइडलाइन स्कूल ऐसे ऊपर से आए हैं? क्या प्रवासी हैं क्या जो स्कूल चला रहे हैं? वो भी हरियाणा वासी हैं। पूरे भारत में लॉकडाउन नहीं है, महाराष्ट्र में यदि पूरे भारत में 1,25,000 केस आते हैं उसमें कौन सी एज के हैं वो भी आपको पता है, कौन से स्टेट में ज्यादा है वो भी आपको पता है। अरे हम तो इस बात पे भी एग्री हैं, यदि डिस्ट्रिक्ट हिसार में सबसे ज्यादा केस हैं तो डिस्ट्रिक्ट हिसार को लॉकडाउन में ले लो, बाकी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो। आप यदि डिस्ट्रिक्ट हिसार में गाँव में प्रॉपर कहीं बहुत ज्यादा केस है तो उस गाँव को जैसे आइसोलेट पहले करते थे ऐसे करो। हम एग्री हैं हर चीज से, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे को तो फांसी दे दो, गवर्नमेंट जो आनंद लेना है उसको वो लेती रहे। सर एक क्वेश्चन और लास्ट सर, बहुत हो गया।